नंबर 10 क्रिस्टल मॉस्क मलेशिया। दोस्तों, क्रिस्टल मॉस्क स्टील ग्लास और क्रिस्टल से बनाई गई है। क्रिस्टल मस्जिद इंतहाई चमकदार और खूबसूरत मस्जिद है। इस मस्जिद में टोटल 9 गुंबद हैं। मरकजी गुंबद 8 छोटे गुंबदों से ढका हुआ है। ये मलेशिया के शहर कुला त्रंगानो में वाक़या है। इस मस्जिद की तामीर 2006 में शुरू हुई और 2008 में मुकम्मल हुई। इस मस्जिद में रात का मंजर बहुत दिलकश नजर आता है। नंबर 9 इस्लामिक सेंटर मस्जिद इंडोनेशिया। दोस्तों, इस्लामिक सेंटर मस्जिद दुनिया की सबसे खूबसूरत मस्जिदों में से एक है, जिसका दूसरा नाम बैतुल मुत्तकीन मस्जिद है, जो कि इंडोनेशिया के शहर सामरिंडा में वाक़या है। ये मस्जिद इंडोनेशिया की सबसे बड़ी और खूबसूरत मस्जिद है। इस्लामिक सेंटर मस्जिद का कुल रकबा 43.500 मीटर है। इसकी मुकम्मल तामीर सन 2001 में हुई। नंबर 8 सुल्तान सैफुद्दीन मॉस्क ब्रुनाई। दोस्तों, सुल्तान सैफुद्दीन मॉस्क दुनिया की सबसे खूबसूरत मस्जिदों में से एक है। इसका गोल्डन और वाइट कलर एक आलीशान महल जैसा मंजर देता है। ये मस्जिद ब्रुनाई के शहर बंदर सिरी बेगवान में वाक़या है। इस मस्जिद की तामीर 1953 में शुरू की गई और 1958 में तामीर मुकम्मल की गई। मस्जिद के मरकजी गुंबद पर खालिस सोने से काम किया गया है। नंबर 7 शेख जैद ग्रैंड मॉस्क यूएसए। दोस्तों, शेख जैद ग्रैंड मॉस्क दुनिया की खूबसूरत मस्जिदों में से एक है। इस मस्जिद के मीनार मार्बल से तैयार किए गए हैं। इस मस्जिद में 40,000 से ज़ायद मुसलमान एक वक्त में नमाज अदा कर सकते हैं। दुनिया का सबसे बड़ा कालीन शेख जैद ग्रैंड मस्जिद में ही बिछाया गया है। शेख जैद ग्रैंड मस्जिद यूएसए की सबसे बड़ी मस्जिद है। मस्जिद के बैरूनी हिस्से को सफेद पत्थरों से तैयार किया गया है, जो कि एक बहुत खूबसूरत लुक पेश करता है। नंबर 6 जमकरान मॉस्क ईरान। ये मस्जिद ईरान में वाक़या है। ये मस्जिद बहुत बड़ी और खूबसूरत है। ये मस्जिद कदीमी मस्जिद है, जिसे 373 हिजरी में इमाम महदी अलैहिस्सलाम के हुक्म से बनाया गया था। मौजूदा दौर में जमकरान मस्जिद एक अजीम मस्जिद है। मस्जिद के मीनारों पर संगमरमर और फेरोजों समेत कई पत्थरों से काम किया गया है। नंबर 5 ब्लू मॉस्क तुर्की। दोस्तों, ब्लू मस्जिद तुर्की में मौजूद एक बहुत खूबसूरत मस्जिद है, जिसे देखकर एक मुसलमान का दिल खुश हो जाता है। इसकी दीवारों का रंग नीला होने की वजह से इसका नाम ब्लू मस्जिद रखा गया था। ब्लू मस्जिद के बड़े 6 मीनार हैं। मस्जिद में शीशे की 200 से ज़ायद खिड़कियां मौजूद हैं। नंबर 4 फैसल मॉस्क पाकिस्तान। दोस्तों, फैसल मस्जिद पाकिस्तान में एक बहुत खूबसूरत मस्जिद है, जिसका शुमार दुनिया की मशहूर तरीन मस्जिदों में होता है। ये पाकिस्तान के कैपिटल शहर इस्लामाबाद में वाक़या है, जिसे जनूबी एशिया की सबसे बड़ी मस्जिद का एजाज हासिल है। मस्जिद की तामीर 1976 में शुरू हुई और 1987 में मुकम्मल किया गया। फैसल मस्जिद को पाकिस्तान की कौमी मस्जिद के तौर पर भी जाना जाता है। इस मस्जिद में तकरीबन 120 मिलियन अमरीकी डॉलर्स का खर्चा आया। ये मस्जिद दुनिया की खूबसूरत मस्जिदों में से एक है। नंबर 3 कुल शरीफ मस्जिद रशिया। दोस्तों, कुल शरीफ मस्जिद रशिया में वाक़या एक बहुत खूबसूरत मस्जिद है। कुल शरीफ मस्जिद रूस की सबसे बड़ी मस्जिद है।
इस मस्जिद में फेरोजी रंग का एक गुंबद और अतराफ में चार बड़े मीनार हैं। इस मस्जिद में 6,000 नमाजी एक वक्त में नमाज अदा कर सकते हैं। मस्जिद के अंदर शानदार झूमर लगे हुए हैं। मस्जिद के बैरूनी हिस्से में फेरोजी और वाइट रंग के मार्बल लगाए गए हैं, जो एक दिलकश नजारा पेश करते हैं। नंबर 2, मस्जिद नबवी मदीना। दोस्तों, मस्जिद नबवी के बारे में तो सब जानते हैं, मस्जिद नबवी की बहुत बड़ी फजीलत है। दोस्तों, मस्जिद नबवी सऊदी अरब में वाकया है। मस्जिद नबवी का आगाज 18 रबीउल अव्वल सन 1 हिजरी में हुआ था। हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मदीना हिजरत के फौरन बाद मस्जिद नबवी का हुक्म दिया था। हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मस्जिद की तामीर में शिरकत करते रहे। मस्जिद नबवी दुनिया की खूबसूरत और अजीम मस्जिदों में से एक है। नंबर 1, मस्जिदुल हराम मक्का। दोस्तों, मस्जिदुल हराम सऊदी अरब के शहर मक्का मुकरमा में वाकया है। मस्जिदुल हराम की तामीर का आगाज हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम और हजरत इस्माइल अलैहिस्सलाम के दौर में हुआ। मस्जिदुल हराम के दरमियान में बैतुल्ला वाकया है, जिसकी तरफ रुख करके दुनिया भर के मुसलमान नमाज अदा करते हैं। मस्जिदुल हराम का कुल रकबा 40,820 मुरब्बा मीटर है और हज के दौरान इसमें 40,20,000 अफराद आसानी से समा सकते हैं। ये दुनिया की दोस्तों, अगर मेरी वीडियो अच्छी लगी हो तो इसे लाइक करें, शेयर करें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना मत भूलें, ताकि मेरी आने वाली हर वीडियो आप तक बआसानी पहुंच सके। शुक्रिया।